जन जन के प्रिय, आम जन के दिलों पे राज करने वाले सचिन पायलट साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पर जनसंघर्ष यात्रा के समापन के अवसर पर यहाँ ये जो सभा हो रही है, इस सभा में जिस प्रकार से जनसैलाब उबड़ा है, इस प्रकार का जनसैलाब मैंने तो आज दिन तक कभी भी किसी सभा में नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होती है, दिल्ली में भी होती है, पूरे देश की रैली, राजस्थान में पूरे प्रदेश की रैली होती है, लेकिन आज की जो सभा और जो उपस्थिति है ये अपने आप में एक मिसाल है। और दिल्ली में और प्रदेश में जो पार्टी की सभाएं होती है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसमें जुट जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने इस रैली में आने से लोगों को रोकने के लिए भी प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अब इससे ज्यादा और क्या है? इससे भी अगर हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर हमारी आंख कब खुलेगी? फिर तो 23 के चुनाव के बाद में खुलेगी, और बाद में आंख खुलेगी तो वो कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए अभी से समझ जाएं, संभल जाएं। आज ये सोचते हैं जो सत्ता में बैठे लोग कि हम अकेले ही 23 की सरकार वापस बना लेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। कैसे बना लिए? जनसैलाब जो यहाँ बैठा है, ये इसकी आप अनसुनी करोगे, इसको साथ लेके नहीं चलोगे, आप अकेले चलोगे, एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे, कभी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आप एक हाथ से ताली बजा के बता देना हमको, एक हाथ से ताली बजा के बता देना, मैं बता दूंगा एक हाथ से ताली बजे कि नहीं बजे, समय आएगा। इसलिए अभी समय है, सोच लो। मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में आखिरी सरकार है किसकी, राजस्थान में सरकार है किसकी? हमारे सरकार के मुखिया कह रहे हैं क्या हमारी सरकार को बचाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं? तो क्या ये वसुंधरा राजे की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? यह बात मेरे समझ के परे है, ये बात मेरे समझ के परे, और मेरे ख्याल से आम जनता के ये बात समझ से परे है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं उनके साथ में कोई भाजपा का व्यक्ति साथ देता है तो वो व्यक्ति बहुत ही बोल्ड होता है। धौलपुर की विधायक नाम भूल गए थे मुख्यमंत्री जी, फिर बाद में किसी ने बताया, नाम तो ध्यान नहीं रहा, फिर कहा शोभा रानी, वो बहुत बहुत बोल्ड लेडी है, क्योंकि वो बीजेपी को छोड़ के आपके साथ खड़ी है, इसलिए वो बोल्ड है। और हम सिर्फ राजस्थान में, हमने सिर्फ राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात की, तो कांग्रेस में अगर कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात करना ये अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो ये सारी जनता ये भी अपराध में शामिल है। आप अकेले हेमाराम को सजा दे सकते हो, अपराधी घोषित कर सकते हो, प्रदेश की सारी जनता को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। आज अगर हम मुख्यमंत्री जी के वहां जाकर के दंडवत करें तो ईमानदार, कल मुख्यमंत्री के मुंह से हेमाराम को ईमानदार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी की हम जय जयकार नहीं करें तो हेमाराम साहूकार नहीं है, 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ तक का भी कई बार नाम लिया, कई बार मीडिया वालों साथियों को सबको, जनता को सबको पता है, पता नहीं किसने कितना लिया, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 200 करोड़ लेवा नहीं, कौन नाम ही तो लेना है। और अगर हम भ्रष्ट हैं, इतने पैसे लिए हैं हमने,
तो आप, आपकी सरकार में हमको मंत्री लेके बैठे हो, हैं? आप किस पे आरोप लगा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बैठे लोग खुद अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। आप मुझे आज ही सरकार से बाहर कर दीजिए अगर आपको ये लगता है हमारा भ्रष्ट है। कोई जरूरत नहीं सरकार में, कोई जरूरत नहीं है सरकार में मुझे रखने की, ना मुझे सरकार में रहने की कोई ख्वाहिश है। मुख्यमंत्री जी, ये सत्ता आपको इसलिए नहीं सौंपी जनता ने, ये सत्ता इसलिए सौंपी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ईमानदारी का शासन होगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता होगी। लेकिन पारदर्शिता कैसी है वो आप देख रहे हो। राजेंद्र जी गुड़ा ने पारदर्शिता के बारे में आपको बता दिया। एक दो मिनट और ना। एक बार एक देश के बादशाह का देहांत हो गया, उसके पीछे उसकी औलाद नहीं थी, उसका उत्तराधिकारी तय करना था किसको करें। उसके परिवार के रिश्तेदार सब झगड़ने लगे, वो कहता मैं राजा बनूं, वो कहे मैं राजा बनूंगा, कोई निपटारा नहीं हुआ। तो बाद में ये तय हुआ कि बाज है, बाज को माला दे दो, बाज जिसके गले में बाज माला डाल देगा वो बादशाह हो जाएगा। देश के अंदर एक गुंडों की गैंग थी, गुंडों की गैंग का ये सरदार था, उसके अधीन गुंडों की गैंग थी। वो गुंडों की गैंग का सरदार वो भी वहां पहुंच गया कि भाई माला क्या पता बाज मेरे गले में ही डाल दे, मैं ही बादशाह हो जाऊं। उस बाज ने वास्तव में उसके गले में माला डाल दी और वो देश का बादशाह बन गया। पर बताऊं उस बादशाह की बात, वो देश का बादशाह बना तो उसने क्या किया। कुर्सी पे बैठते ही पहला हुक्म उसने ये दिया, जो उसकी गैंग के गुंडे थे उन सबको, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि उनको सबको जेल में बंद कर दो, कि उसके लिए मुझे कोई सबूत की, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं है, उसको मैं जानता हूं। और अब मैं पहले गुंडों की गैंग का सरदार था, लेकिन अब मैं देश का बादशाह हूं, इसलिए देश में गुंड, इस देश को चलाना है तो गुंडों का खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश नहीं चल पाएगा। ऐसा उसने कदम उठाया, उसने भी। तो मुख्यमंत्री जी, आप देश के, प्रदेश के मुखिया बने हो तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी चापलूसी करते हैं, जो आपका गुणगान करते हैं और आपका गुणगान करके चापलूसी करके इस प्रदेश को लूट रहे हैं, उनको आप जेलों में डालो। ये काम आपको करना चाहिए। जिस जगह आपने उनको पूरी खुली छूट दे दी, जिस प्रकार से बादशाह का मैं कह रहा हूं, जो गुंडे वो थे वो बड़े खुश हुए बादशाह बना उस समय, वो गुंडा बादशाह बना ने देश का बहुत खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया, पर उनको जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा, कह रहे हमारे को बादशाह से मिलाओ तो सही। तो कह भाई मिला देंगे बादशाह से, कहेंगे हुक्म देंगे तो। उन्होंने पुलिस वालों ने बादशाह को कहा, कभी इनका निवेदन है कि एक बार बादशाह से मिला दो हमको, बस इतना सा करो। तो भाई ले आओ मिला दो। वो उन सबको, गुंडों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, पहले मैं तुम्हारी गुंडों की गैंग का सरदार था, अब मैं गुंडों की गैंग का सरदार नहीं हूं, इस देश का बादशाह हूं, देश की बादशाह की हैसियत से फैसले करूंगा, तुम्हारे कहने से फैसले नहीं करूंगा। तुमको जेल में डालना मेरा धर्म था, मैंने मेरा धर्म निभाया। इस प्रकार के प्रदेश के बादशाह को अपना धर्म निभाना चाहिए। धर्म से हट करके अगर काम करते हैं तो उसको ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब जब भी इस प्रकार जनसैलाब उबड़ा है, परिवर्तन आया है, ये मैं आज से नहीं देख रहा हूं, 77 से देख रहा हूं, 77 80 से देख रहा हूं, उसके बाद में कई परिवर्तन देखे, समय की कमी है, और भी कुछ कहते थे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार आप ये छाया की, छाया तो बहुत कम पड़ गई, लोग सब इस धूप में खड़े हैं, छाया में ही नहीं बैठे लोग तो, और धूप में खड़े हैं। कौन इनको लाया? कोई नहीं लाया, अपने आप आए, सब अपने आप खर्चे से, अपनी मर्जी से, किसी ने किसी को, हमको तो रोका पायलट साहब ने, हमको कहा इस जनसंघर्ष यात्रा में एमएलए एमपी को शामिल नहीं करेंगे, हम तो आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने रोका। एमएलए एमपी कोई जनसंघर्ष यात्रा में शामिल, फिर भी जनसैलाब तो नहीं रुका,
इनके साथ था, आज मेरे से भी नहीं रह गया, आज मैं भी थोड़ी जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि प्रदेश की जनता सब पायलट साहब के चली गई, साथ जुड़ गई, अब पीछे कुछ बचा ही नहीं, तो अपन पीछे क्या करेंगे, इसलिए अपने को इनके साथ रहने में ही फायदा है। इसलिए जो ये लोग आज सोच नहीं रहे हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा इमंच के माध्यम से, थोड़ा सोच लें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा अपना दिमाग को भी काम में लें कि आने वाले समय में क्या है। पिछले चुनाव में 21 सीटें आई 21 कांग्रेस की, ऐसी स्थिति कभी मेरी ख्याल से 52 से आज दिन तक मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी तो आप बता दें। उसको वापस किसने लाया राजस्थान में, इन्होंने संघर्ष किया, उस सब संघर्ष की कहानी बताऊं, इतना समय नहीं है, इनके संघर्ष आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से राजस्थान में सरकार बनी है। लेकिन फिर भी हमें अगर इस तरह से कष्ट सहना पड़े, हमें सुनना पड़े, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। धन्यवाद, जय हिंद।